हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस बार हम बैंक ऑडिट करेंगे। मेरे से लास्ट टाइम दो तीन लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि बैंक ऑडिट के लिए, तो इसलिए मैं बैंक ऑडिट का चैप्टर करूंगा यहाँ पे, सीए फाइनल का। तो शुरू करते हैं। बैंक ऑडिट सीए फाइनल का बहुत सिंपल चैप्टर है और 8 4 से 8 नंबर का नॉर्मली आ जाता है इसमें से। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। नेशनलाइज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अदर। नेशनलाइज बैंक में कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, लेकिन आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीएजी अप्रूव करता है, सीएजी अपॉइंट करता है। और अदर्स बैंक के अंदर शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, लेकिन आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी आरबीआई की परमिशन हमें नेशनलाइज बैंक में लेनी है, अदर बैंक में लिए। एसबीआई के लिए इसलिए अलग से क्योंकि एसबीआई का लॉ ही अलग बना हुआ है। उसके बाद एंगेजमेंट लेटर, ऐसे 210, ये तो जाता ही है एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर को। इसमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर होंगी? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बैंकिंग लॉ, रेगुलेशंस, सर्कुलर्स आरबीआई के या गवर्नमेंट के, एनपीएस क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टेट्यूटरी कम्युनिकेशन, रिक्वायरमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड आरबीआई, कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड आरबीआई। यानी कि कोई फ्रॉड या अगर कोई ऐसी चीज़ है तो ऑडिटर को, आरबीआई को बताना पड़ेगा। ऑडिटर्स रिपोर्ट एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ऑडिटर रिपोर्ट नेशनलाइज बैंक की जो है वो किसको दी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या क्या होगा उसमें? बैलेंस शीट, पीएनएल जो कि ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, ट्रांजेक्शंस विद इन द पावर ऑफ बैंक होने चाहिए, और ब्रांचेस जो है वो प्रेजेंटेशन उनकी ब्रांचेस की जो अकाउंट्स की वो भी फेयर होनी चाहिए, एजुकेट होनी चाहिए। उसके बाद अदर्स के लिए, यानी कि जो नेशनलाइज बैंक नहीं है, ये जाती है शेयर होल्डर्स को, रिपोर्ट जाती है शेयर होल्डर्स को। अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है, रिपोर्ट एज पर सेक्शन 143, पीएनएल अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू होने चाहिए, ट्रांजेक्शन विद इन द पावर सेम यहाँ पर था, ब्रांचेस एडुकेट होनी चाहिए, एनी अदर मैटर जो भी ऑडिटर को लगता है। आगे ऐसे 240 हमारा फ्रॉड का था ये। ऑडिटर शुड आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। बैंक में क्या करेगा? टेक सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, दो जगहों के लिए, एक तो रिस्की एरियाज के लिए और रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, और उसको फिर वो रिस्पॉन्ड भी करे, यानी कि उसको बताए आरबीआई को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। रिमेन अलर्ट फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, यानी कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। टाइप्स ऑफ फ्रॉड, मैनेजमेंट या एम्प्लॉय का फ्रॉड या फिर एक्सटर्नल फ्रॉड। अगर मैनेजमेंट या एम्प्लॉय का फ्रॉड है, मैनेजमेंट या एम्प्लॉय का फ्रॉड है, तो वो तीन तरीके से हो सकता है, डिपॉजिट लेने में, डील करने में, या फिर पैसे देने में, यानी लोन देने में, लेंडिंग में। और एक्सटर्नल फ्रॉड है तो वो भी इन्हीं तीन केसेस में हो सकता है, डिपॉजिट लेने में, डीलिंग और लेंडिंग में। रिपोर्टिंग फ्रॉड टू आरबीआई, यानी कि आरबीआई को कब कब हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। आरबीआई हैज़ इश्यूड सर्कुलर, आरबीआई ने इसके बारे में सर्कुलर भी इश्यू करा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज, ठीक है, यानी कि जो भी एक्टिविटीज हमें लगता है कि फ्रॉड की है वो सारी। एक्सेस पावर इन ट्रांजेक्शन, यानी कि पावर का एक्सेस हमने किसी बैंक ने, बैंक वालों ने, मैनेजर ने या किसी ने भी एक्सेस पावर को यूज़ करा है। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर रेफर द मैटर टू आरबीआई, आल्सो नॉट एलिजिबल अंडर क्लॉज 1 पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल, जहाँ पे उसको अपने पार्टी जो भी क्लाइंट है उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी होती ऑडिटर को, तो क्लॉज 1 पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल ऑफ सीए एक्ट के अंदर वो नहीं होगा, गिल्टी नहीं होगा अगर वो आरबीआई को बता देता है तो। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि एज पर अगर लॉ या फिर एज पर अगर क्लाइंट अगर कहता है तो वो बता सकता है ऑडिटर। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रॉड हटाने की, प्रिवेंट करने की, वो होती है मैनेजमेंट की। रिपोर्ट जो है वो बोर्ड को जाएगी और आरबीआई के पास जाएगी। ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज बाय फ्रॉड और एरर, ऑल्सो रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, SLR कितना होगा? परसेंटेज एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय RBI। स्टेट्यूटरी ऑडिटर टू वेरीफाई कंप्लाइंस ऑफ SLR, SLR की रिक्वायरमेंट्स
रिक्वायरमेंट जो है वो हर बैंक को पूरी करनी पड़ती है। तो स्टैट ऑडिटर चेक करेगा कब कब ऑन 12 ऑड डेट्स, 12 ऑड डेट्स पे इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ अ डिफरेंट ईयर, नॉट बीइंग फ्राइडे, जो कि फ्राइडे नहीं होगा, यानी कि 12 ऑड डेट्स ऑफ डिफरेंट मंथ्स ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर नॉट बीइंग फ्राइडे। रिपोर्ट किस किस को जाएगी? मैनेजमेंट और आरबीआई को। एग्जामिनेशन डिमांड, अच्छा एसएलआर के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? डीटीएल, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, तो यानी एग्जामिनेशन करेगा वो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, और मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट एज सेलेक्टेड डेट, यानी कि जो 12 और डेट्स हैं उस पे जो लिक्विड एसेट हैं उनका मेंटेनेंस। ऑडिट वेरिफिकेशन ऑफ एसएलआर और सीआरआर। एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का कि एसएलआर या सीआरआर की, अगर एसएलआर और सीआरआर की अगर हमें चेकिंग करनी है ऑडिटर को तो क्या करेगा? सबसे पहले रीड सर्कुलर ऑफ आरबीआई, यानी आरबीआई का अगर कोई लेटेस्ट सर्कुलर निकला तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कंपोजिशन जो है डीटीएल की, यानी कि डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसको चेक करना पड़ेगा उसे। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी नॉट टू बी इंक्लूडेड इन डीटीएल, यानी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस और लायबिलिटी नहीं आती, तो उसको चेक करना पड़ेगा ये। और उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ डी टी एल, यानी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, अगर बैंक ने बना रखा है पहले से तो उसको चेक करेगा। रिव्यू रिटर्न फ्रॉम अनऑडिटेड ब्रांचेस, अगर कोई अनऑडिटेड ब्रांच है तो उसके रिव्यूज को वो चेक करेगा। ब्रांच ऑडिटर ऑल्सो वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ कैश ऑन 12 ऑड डेट्स। कंप्यूटेशन ऑफ लिक्विड एसेट्स, ठीक है, लिक्विड एसेट्स का कंप्यूटेशन, कैश जो है डिपॉजिट करा रखा है आरबीआई के, इसको भी हम कैश मानेंगे। बैलेंस जो है मेंटेन है विद आरबीआई इन एक्सेस ऑफ रिक्वायर्ड, यानी जो रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा, उसको भी हम कैश मानेंगे। और नेट बैलेंस इन करंट अकाउंट, उसको भी हम कैश मानेंगे। गोल्ड प्राइस नॉट एक्सीड मार्केट वैल्यू। वेरीफाई अमाउंट ऑफ अनकम्बर्ड अप्रूव सिक्योरिटी, ठीक है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नो नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस, रिलायंस ऑन रिटर्न्स। नेक्स्ट आते हैं कॉन्करेंट ऑडिट, ये भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ईजी बहुत सिंपल सा है। कॉन्करेंट ऑडिट पहली बात तो बैंक्स के लिए मैंडेटरी है, रेगुलर बेसिस पे कराना पड़ेगा। कैन बी डन बाय इंटरनल ऑडिटर या फिर इंटरनल स्टाफ या फिर इंडिपेंडेंट ऑडिटर। वेरीफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज पर ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, मैंडेटरी है हर बैंक के लिए। कवर होनी चाहिए एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल डिपॉजिट एंड 50% ऑफ टोटल एडवांसेस, यानी कि सारी ब्रांचेस पूरे हेड ऑफिस सबको मिलाने के बाद कम से कम 50% डिपॉजिट और 50% एडवांस जो है कॉन्करेंट ऑडिट में चेक होने चाहिए, मैंडेटरी है। कंसीडर क्या क्या करेंगे, यानी कौन कौन सी जो ब्रांचेज हैं उनको कंसीडर करेंगे। सबसे मेन बात तो भाई, अगर 50% एडवांस 50% डिपॉजिट आपको करना है तो आपको बड़ी ब्रांच लेनी पड़ेगी, यानी लार्ज या फिर बहुत बड़ी ब्रांचेज, ठीक है। स्पेशल ब्रांचेज, लार्ज प्रॉब्लम ब्रांचेज, यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं ब्रांचेज, हो सकता है फ्रॉड ज़्यादा हो। हेड ऑफिस डिपार्टमेंट डीलिंग विद ट्रेजरी, हेड ऑफिस डिपार्टमेंट डीलिंग विद फंड मैनेजमेंट, हेड ऑफिस डिपार्टमेंट डीलिंग विद इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, एनी अदर ब्रांच और एट डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक। उसके बाद स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट, क्या क्या चेक करेंगे उसमें? कैश, कैश में कोई एबनॉर्मल रिसिप्ट तो नहीं है, अकाउंटिंग जो है उसकी प्रॉपर हो रही नहीं हो रही, एक्सपेंडिचर जो है कैश के वो प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रहे। इन्वेस्टमेंट परचेज और सेल की जो इन्वेस्टमेंट है, जो उसका कैश है वो उसकी रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट की 3 तरह से होती है वो हम पढ़ेंगे भी। फिजिकल कैश चेक करेंगे कि भी जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास बुक्स में है वो फिजिकली रखी है या नहीं रखी। आरबीआई ने जो लिमिट बना रखी है वो भी हम पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। डिपॉजिट्स रिसीव्ड जो हुए हैं उसकी एंट्री चेक करेंगे। रीपेड जो हमने पैसे वापस कर दिया, इंटरेस्ट उनके ऊपर और कोई नया अकाउंट जो खुला है उस पर। एडवांस जो हमने लोन दिया, यानी बैंक ने जो लोन दिया है, सैंक्शन प्रॉपरली, सैंक्शन बाय प्रॉपर अथॉरिटी और फॉलो अप उसका। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉस्ट्रो अकाउंट, आरबीआई गाइडलाइंस, अदर आइटम्स, प्रॉपर कंप्लाइंस होनी चाहिए, कस्टमर कंप्लेंट्स, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा कॉन्करेंट ऑडिट, आगे करते हैं। इन्वेस्टमेंट यानी बैंक किस तरीके से इन्वेस्टमेंट रख सकता है और क्या क्या तरीका है वो, इस क्या क्या प्रोसीजर, उसके क्या क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है एज पर आरबीआई, वो साफ इसमें। बैंक को रिक्वायर्ड, बैंक का रिक्वायर्ड कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को फ्रेम करेगा
ऑप्टेन करेगा अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, यानी कि जो भी उनकी पॉलिसी बनाएगा बैंक पहले उसकी अप्रूवल लेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। डिसाइड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो जब वो इन्वेस्टमेंट को खरीदेगा तभी उसको पता होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट परचेज करते टाइम ही उसकी क्लासिफिकेशन पहले से ही तय होती है, इन्वेस्टमेंट परचेज करते टाइम ही उसकी क्लासिफिकेशन पहले से ही डिसाइडेड होती है। एंटायर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को तीन हिस्सों में बांट दिया, हेल्ड टिल मेच्योरिटी यानी जिसको हम पूरे एंड तक उसकी मेच्योरिटी तक रखेंगे, हेल्ड फॉर ट्रेड जिसको हम ट्रेड के लिए रखते हैं यानी इंटरेस्ट कमाने के लिए उसके बाद उसको बेच देने के लिए, हेल्ड फॉर अवेलेबल फॉर सेल और इसको हम जल्दी से जल्दी बेच देंगे। तो हेल्ड टिल मेच्योरिटी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन टू होल्ड टिल मेच्योरिटी, इसकी लिमिट जो होगी वो 25% होगी ऑफ टोटल पोर्टफोलियो, यानी जितना भी टोटल पोर्टफोलियो है यानी कि ये प्लस ये प्लस ये इन तीनों को मिला के ये जो है 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसकी, यानी कि कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं जो कि HTM में आएगी, होल्ड हेल्ड टिल मेच्योरिटी में आएगी, लेकिन 25% की लिमिट के लिए बाहर हो जाएगी। यानी 25% की जब लिमिट निकालेंगे तो उसको इसमें ऐड नहीं करेंगे। मैक्सिमम 25% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हाउ एवर दिस लिमिट कैन बी इंक्रीज इफ सिक्योरिटी, यानी कि ये लिमिट के अंदर इस बढ़ाई जा सकती है अगर सिक्योरिटी कंप्राइजेस SLR सिक्योरिटी, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो निकालने के लिए जो सिक्योरिटीज ली गई हैं उन सिक्योरिटीज पे ये एप्लीकेबल नहीं है, एंड टोटल SLR सिक्योरिटीज हेल्ड इन YTM कैटेगरी इज नॉट मोर देन 25% ऑफ DTL, DTL यानी डिमांड टाइम लाइबिलिटी जो हमने पढ़ा था अभी। अच्छा, सिक्योरिटीज आर HTM बट नॉट टेकन फॉर 25%, यानी एक्सेप्शन है कि सिक्योरिटीज HTM में तो है लेकिन 25% में नहीं आएगी, 25% की लिमिट में। कौन कौन सी है? सिंपल है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होंगी, रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, ठीक है, ये तीनों जो है। अच्छा, अगर इसको जब हम बेचते हैं होल्ड टिल मैच्योरिटी को, सिक्योरिटी को, इन्वेस्टमेंट को, तो प्रॉफिट ऑन सेल जो है इस पे पहले जो है कैपिटल PNL में जाएगा, उसके बाद कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। हेल्ड फॉर ट्रेड, इसको हमें बेचना पड़ता है 90 दिन के अंदर अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा इसका वो PNL अकाउंट में जाएगा। वैल्यू डेट मार्क टू मार्केट, यानी इसको मार्केट वैल्यू पे करना लिखना पड़ता है। अच्छा, होल्ड टिल मेच्योरिटी को हमें उसकी कॉस्ट पे रखना पड़ता है बैलेंस शीट के अंदर, और इसको उसकी हेल्ड फॉर ट्रेड को उसकी मार्केट वैल्यू पे उसे दिखाना पड़ता है बैलेंस शीट में, यानी कि इसके लिए हम एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाते हैं मंथली या फिर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे। अवेलेबल फॉर सेल जो है हमारा, यानी जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आती वो इसमें आती है, नॉट HTM एंड HFT। मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन PNL जो भी होगा इसका वो PNL अकाउंट के अंदर जाएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल जो है PNL अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था हमारा, शिफ्टिंग अमंग कैटेगरीज, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की हमारे तीन कैटेगरीज है अगर उसको हम शिफ्ट करते हैं, यानी कि होल्ड टिल मेच्योरिटी से अवेलेबल फॉर सेल पे, यानी अवेलेबल फॉर सेल पे हेल्ड फॉर ट्रेड के लिए, तो उसके लिए क्या क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है? अगर अवेलेबल फॉर सेल है और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं होल्ड फॉर हेल्ड फॉर ट्रेड, अवेलेबल फॉर सेल को हेल्ड फॉर ट्रेड में, तो अप्रूवल बोर्ड की चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट कमेटी की। या फिर हम उल्टा कर रहे हैं, यानी कि हेल्ड फॉर सेल को अवेलेबल फॉर सेल में कन्वर्ट करना है, इसको हमें 90 दिन के अंदर अंदर बेचना होता है अवेलेबल फॉर सेल में, तो जनरली तो अलाउड नहीं है लेकिन अलाउड है अगर हम अप्रूवल ले लेते हैं बोर्ड की या फिर इन्वेस्टमेंट कमेटी को। अब आते हैं HTM की बारी, हेल्ड टिल मेच्योरिटी को अगर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हेल्ड फॉर ट्रेड, यानी कि अगर हेल्ड फॉर ट्रेड को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, या इससे हम हेल्ड फॉर ट्रेड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर HTM से कन्वर्ट कर रहे हैं अवेलेबल फॉर सेल में, या अवेलेबल फॉर सेल से कन्वर्ट कर रहे हैं HTM के अंदर, तो नीड बोर्ड अप्रूवल एंड शिफ्टिंग कैन टेक प्लेस वंस इन अ ईयर। और ये जो शिफ्टिंग है साल में सिर्फ एक ही बार हो सकती है और बोर्ड अप्रूवल चाहिए, यानी अगर हम देखा जाए तो बोर्ड अप्रूवल तीनों में ही चाहिए। नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है, ये नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट है, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी बहुत हद तक डूब गई है, जहाँ से हमें उम्मीद कम है कि हमें वहाँ से इंटरेस्ट या फिर जो भी हमारा रिटर्न है वो मिलेगा, वो होता है हमारा नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट। इसके लिए हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट।
इंटरेस्ट मैच्योरिटी ड्यू एंड अनपेड फॉर मोर देन 90 डेज, यानी कि जहाँ पे इंटरेस्ट या फिर उसकी मैच्योरिटी 90 दिन से, यानी जो ड्यू डेट है उसके 90 दिन से ज़्यादा हो गए और हमें नहीं मिली, यानी इनकम हमें नहीं मिली, रिटर्न हमारी हमें नहीं मिली, तो वो इन्वेस्टमेंट नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट बन जाती है. प्रेफरेंस शेयर्स व्हेन फिक्स्ड डिविडेंड नॉट पेड एंड ड्यू मोर देन 90 डेज, यानी फिक्स्ड डिविडेंड था हमारा 90 दिन से ज़्यादा हो गए ड्यू डेट को और पे नहीं हुआ. ठीक है, एक एग्जांपल, एक और पॉइंट. ये हमारा ऑडिटर है, इसने इस कंपनी की कोटक बैंक की बैलेंस शीट में देखा, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ रखी थी 5 करोड़ की. बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़ की. ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किंगफिशर कंपनी की है, ये इन्वेस्टमेंट किंगफिशर कंपनी की है, सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, अब क्या हुआ, किंगफिशर ने एक दूसरा बैंक SBI से लोन लिया हुआ है. किंगफिशर ने एक दूसरा बैंक SBI से लोन लिया हुआ है और दिस लोन बिकम NPA और SBI की बुक्स के अंदर ये जो लोन लिया हुआ था किंगफिशर ने वो NPA हो गया. यानी एक बैंक से उसने लोन ले रखा है SBI से और कोटक बैंक ने इसके शेयर्स खरीदे हुए एज एन इन्वेस्टमेंट, तो देन दीज सिक्योरिटी विल बी NPI फॉर कोटक बैंक. यानी कि ये जो पर्सन है, ये इसने इस बैंक से लोन लिया हुआ था, अब इसने इसका लोन NPA कर दिया, यानी कि SBI ने इसको NPA कर दिया, तो इसकी इन्वेस्टमेंट दूसरे बैंक के लिए NPI हो जाएगी. इसकी इन्वेस्टमेंट यानी ये इन्वेस्टमेंट NPI हो जाएगी, चाहे रेगुलरली वो इंटरेस्ट पे करे या डिविडेंड पे करे या ना करे. यानी एक रूल है या फिर मैं कहूँ एक एक्सेप्शन है जो जनरल रूल है नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट का. ठीक है, नेक्स्ट. SBI बैंक ने, ये दूसरा एग्जांपल हमारा, SBI बैंक ने लोन दिया किंगफिशर को और लोन वो चुका नहीं पाया किंगफिशर, तो क्या हुआ, किंगफिशर ने कॉम्प्रोमाइज करा अरेंजमेंट के लिए, या मैं कहूँ रीशेड्यूलिंग करा, या रीशेड्यूलिंग भी नहीं कह सकते, सो कॉम्प्रोमाइज ही कहते हैं कि भाई वो पैसे नहीं दे सकता, तो अकॉर्डिंग टू विच लोन विल कन्वर्टेड इंटू बॉन्ड और इक्विटी. यानी जो कॉम्प्रोमाइज़ है, जो भी एग्रीमेंट हुआ उसमें जो लोन दिया था उस लोन को डेट या इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जैसे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में होता है. तो देन सच सिक्योरिटी, यानी इस बैंक को, SBI बैंक को जो सिक्योरिटीज या डेट या फिर इक्विटी जो भी मिलेंगे विल बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही. यानी कि ये भी मैं कह सकता हूँ कि एक एक्सेप्शन है, 90 दिन तक हमें रुकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम NPI बना देंगे इसको, नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडवाइस है, यानी कि कंपलसरी नहीं है, टू बिल्ड IFR मिनिमम 5% ऑफ पोर्टफोलियो विद इन 5 years. विड्रॉल फ्रॉम IFR cannot, नहीं निकाल सकते, फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. रिकॉग्निशन ऑफ इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इन्वेस्टमेंट है, यानी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उस पर जो इनकम है उसको हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कब उसे बुक्स में दिखाएंगे, तो अक्रूअल बेसिस पे दिखाएंगे या फिर कैश बेसिस पे. इन्वेस्टमेंट इनकम एंड नॉट एडवांसेस ऑन लोन, यानी कि ये जो हमारी इनकम है ये इनकम इन्वेस्टमेंट की इनकम है, इंटरेस्ट डिविडेंड ये सारी इनकम है, ये जो हम लोन दे रखा है लोगों को वो वाली इनकम नहीं है. तो अगर हमने सिक्योरिटीज खरीद रखी है तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल और उस सिक्योरिटीज को गारंटी दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो उसको हम अक्रूअल बेसिस पे लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट पेड रेगुलरली. जो हमारी सिक्योरिटीज NPI हो चुकी हैं, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको हम कभी भी ड्यू बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं करते, इनको रिसिट बेसिस. ये हमारा खत्म हो जाता है यहाँ पे, मैं अपना पहला जो पार्ट है, पार्ट 1 खत्म करता हूँ. नेक्स्ट पार्ट में
यानी कि जो बैंक ऑडिट का पार्ट टू होगा उसके अंदर हम करेंगे, जो हमारा मेन पॉइंट या कहते हैं जिसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बैंक ऑडिट का माना जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए और एनपीए की इनकम रिकॉग्निशन और एनपीए के कुछ एक्सेप्शन और कुछ रूल्स, वो हम पढ़ेंगे पार्ट टू के अंदर। तो तब तक के लिए वेट करिए।